बैक टू माई चैनल गाइस। कुछ लास्ट 2 वीक्स से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि हम आउट ऑफ सिटी थे। तो गाइस वेलकम बैक हो गया आपका एक और वीडियो के अंदर। गाइस जो आज हम लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML। हमने PHP को भी स्टार्ट किया, उसको भी हम साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमने सबसे पहले HTML को फिनिश करना है ताकि आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ सके कि HTML होती क्या और ये वर्क कैसे करती है। ठीक है, PHP भी साथ मैंने अपनी सेकंड प्लेलिस्ट के अंदर उसको भी डाला हुआ है। ठीक है, उसका भी मैं लिंक आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा। ठीक है, तो गाइज आप उस प्लेलिस्ट को भी लाजमी फॉलो कीजिए। सबसे पहले हम HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर वर्क करेंगे और वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको स्टार्ट करने का मकसद ये था, एकदम कोर्स PHP के कोर्स के अंदर HTML जैसे हम एम्बेडेड कर रहे थे। ठीक है, लास्ट टाइम के PHP के कोड के अंदर HTML के कोड के अंदर PHP को कैसे वर्क करते, तो पहले मैंने ये फिर कंसिडर किया कि क्यों ना सबसे पहले इनको HTML के बारे में बताया जाए, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनको तो HTML के बारे में नहीं पता, या जो वेब के अंदर न्यू है उनको तो HTML के बारे में नहीं पता। तो HTML के ऊपर पहले फोकस करके इसको भी साथ साथ लेके चलेंगे और साथ PHP को भी लेके चलेंगे ताकि वर्किंग दोनों साइड से चलती रहे। ठीक है, अच्छा तो गाइज वेलकम बैक हो गया आपका एक न्यू वीडियो के अंदर। गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML बेसिकली होती क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसा कि गाइज आपको नजर आ रहा है कि ये क्या चीज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये गाइज आप जब भी वेब का काम करते हैं तो विदाउट HTML आप कोई भी वेब पेज नहीं बना सकते। HTML क्या करता है, आपको एक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, आपको एक स्ट्रक्चर देता है, जिस तरह गाइस फॉर एग्जांपल आप लाइक ह्यूमन बॉडी की मिसाल लेना। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, उसके ये सब जो पार्ट्स हैं वो ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, ये बेसिकली उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर है, सॉरी स्ट्रक्चर कैसे है कि जिस तरह आपका जो ये स्ट्रक्चर है बॉडी, ह्यूमन बॉडी का, ये आपको पता बोन से मिलके, बोन्स और ज्वाइंट से मिलके बना हुआ है, ये आपका एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिकली HTML है। इससे आप अंदाजा लें कि मतलब कोई भी आप वेबसाइट बनाते हो उसके अंदर जो आप पैराग्राफ लिखते हैं, जो आप उसके अंदर हेडिंग लिखते हैं, ठीक है, जो उसके अंदर आप इमेजेस डालते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो आप टैग्स वगैरह डालते हैं, उसके अलावा जो आप उस फॉर एग्जांपल बटन्स बनाते हैं, इसके अलावा जो अगर गाइस आप लिंक्स बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये लिंक्स का, लिंक्स आप बनाते हैं कि अगर ये बटन मैंने बनाया तो इस बटन के ऊपर अगर एक यूजर आता है वो इसके ऊपर क्लिक करता है तो उसको मैं किस पेज के ऊपर एक्शन करवाऊँ। तो ये बेसिकली जो आपका ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपको क्या देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, कि वो स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं, फिर आप उसके ऊपर CSS वगैरह, कैस्केड स्टाइलिंग शीट और जावास्क्रिप्ट अप्लाई करके उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स देते हैं, उसको एनिमेशन देते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक टेक्स्ट लिखा है, लाइक से आपने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल HTML, फॉर एग्जाम्पल ये आपने एक टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, अब आपने ये HTML के अंदर तो आपने ये जस्ट एक क्या किया, आपने एक ये HTML लिख लिया। ठीक है, अब आपने अगर चाहते हैं कि ये बोल्ड हो, ठीक है, ये थोड़ा अटैलिक दिखे, ठीक है, हमें बोल्ड दिखे, अटैलिक दिखे, ठीक है, ये जो इधर मिड में, ये मिड में नहीं, ये इस तरफ सॉरी राइट में होना चाहिए, ठीक है, राइट नहीं सेंटर में होना चाहिए ये टेक्स्ट, या लेफ्ट लाइन होना चाहिए। ठीक है, ये जो इसके करीब फॉर एग्जाम्पल आपने सिंपल HTML लिखा ना, इसको तो मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया ना, आपने सिंपल HTML लिखा, आप चाहते हैं कि मैं इसको बॉर्डर दूँ, ठीक है, इसको पैडिंग दूँ टॉप से बॉटम से, ठीक है, इसको कलर दूँ, इसकी फॉन्ट फैमिली कौन सी सेलेक्ट करूँ, इसके फॉन्ट का वेट क्या होना चाहिए, ठीक है, ओपेसिटी इसकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें कैस्केड स्टाइलिंग शीट प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम CSS कहते हैं। ठीक है, तो ये कैस्केड स्टाइलिंग शीट बेसिकली आपको कलर्स, बैकग्राउंड्स, एनिमेशन, ठीक है, फॉन्ट्स वगैरह, ठीक है, बटन की जो आपके साइड राउंडेड बटन्स होते हैं, सिंपल बटन्स होते हैं, ठीक है, ये आपको CSS वो प्रोवाइड करता है, और HTML बेसिक आपको स्ट्रक्चर देता है। उस स्ट्रक्चर के ऊपर जब आप CSS अप्लाई करते हैं तो वो मजीद क्लैरिफाई हो जाती है। तो इस बात से हमें ये पता लगा कि जिस तरह ह्यूमन बॉडी होती है वो बोन्स और ज्वाइंट से मिलकर बनी होती है, तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो आपका मीट है, ठीक है, वो मीट क्या है, वो बेसिकली कैस्केड स्टाइलिंग शीट है। ठीक है, कि आपको देखिए कोई स्ट्रक्चर ऐसे, किसी जगह से आपका बाजू जो होगा वो पतला होगा, किसी जगह से आपका बाजू क्या होगा, थिन होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या है, कैस्केड स्टाइलिंग शीट है। ठीक है, और जो आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो आपकी क्या है, जावास्क्रिप्ट है, वो उसके ऊपर एक्शन है। ठीक है,
तो ये आपको उम्मीद है कि HTML थोड़ी बहुत समझ आएगी, क्योंकि क्या HTML हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर के बगैर देखें, आप एक बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग की अगर आप बेस नहीं रखते, एक स्ट्रक्चर नहीं बनाते, तो उसके ऊपर आप मजीद नहीं एक काम कर सकते। तो क्या होता है, बिल्डिंग बनाने से पहले सबसे पहले आपको उसकी फाउंडेशन देनी पड़ती है, ठीक है। उस फाउंडेशन के ऊपर आप बिल्डिंग को क्या क्या करते हैं, बनाते हैं। जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके अंदर आप डिफरेंट कलर्स के कलर्स करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर पैनल्स लगाते हैं, उसके अंदर AC व्हाटसोएवर जो भी आप एक्सेसरीज यूज करते हैं वो सारी क्या है, कलर्स वगैरह जो आपके टाइल्स होते हैं, ठीक है, ये सारी क्या है, CSS है, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन टू HTML। आपको बता दिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, विद HTML यू कैन क्रिएट। देखें, सबसे पहले एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि वेब पेज और वेबसाइट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये अक्सर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वेबसाइट और वेब पेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो गाइज यार, बात याद रखिए, जो आपका वेब पेज होता है वो सिंपल एक एक पेज होता है। वेब पेज क्या होता है, सिंपल एक पेज होता है, ठीक है। एक पेज के ऊपर आप गए, ठीक है, जो आपको एक पेज है, वन सिंगल पेज है, वो आपका वेब पेज है। लेकिन जब मैनी वेब पेजेस आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो वो वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट आपकी कैसी वर्क करती है, वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले आपको क्या होता है, हेडर सेक्शन, जिसके अंदर आपकी नैव बार होती है। इधर आपको तीन बटन नजर आ रहे होते हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, या इधर एक फोर्थ बटन होता है जिसको लॉगिन कहा जाता है, ठीक है। तो ये चार बटन होते हैं। देखिए, आप एक आपको फ्रंट पे तो नजर आ रहा है, ये आपको होम टैब वाला ये पेज आपको सारा नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको वेरियस बटन दिए हुए हैं। जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू पेज के ऊपर जाएंगे, आपका एक्शन जो होगा वो एक न्यू पेज के ऊपर होगा, ठीक है। और ये न्यू पेज क्या होगा, ये बेसिकली वेब पेज है ना, जो न्यू पेज ओपन होगा वो भी वेब पेज है। अबाउट के अंदर जाएंगे तो एक डिफरेंट वेब पेज आएगा, इसी तरह सर्विसेज के ऊपर जाएंगे तो एक डिफरेंट न्यू पेज आएगा, लॉगिन के अंदर जाएंगे तो आपको अपना साइन अप फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरियस जब आप वेब पेजेस को आपस में कंबाइन करते हैं तो वो आपको वेबसाइट मिलती है, ठीक है। तो ये इसके दरमियान डिफरेंस है, ठीक है। HTML इजी टू लर्न, HTML की गाइस जो सारी HTML को समझने के लिए सबसे इजी लैंग्वेज HTML। इसमें सारी जो आपकी कहानी है वो टैग्स क्रिएट करता है। हर जो भी आप टैग स्टार्ट करेंगे उसका एंडिंग जरूर करेंगे, एवरी टैग हैज अ एंड टैग, ठीक है। तो जो भी आप टैग को स्टार्ट करेंगे उसका एंड भी होगा। HTML का सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मुख्तलिफ लाइक HTML के अंदर हमारे पास आई थिंक 100 और 110 टैग्स होते हैं, ठीक है। तो वो जस्ट आपको कीप इन माइंड रखने हैं कि कौन सा टैग किस चीज़ के लिए यूज होता है, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। और HTML एलिमेंट्स क्या बताते हैं कि ब्राउजर को क्या आपने किस तरह डिस्प्ले को कॉन्टेक्ट करना, कि ठीक है किस तरह डिस्प्ले करना है। तो गाइज HTML को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके थोड़े कोड की तरफ। ये एक सैम्पल कोड है, ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपके लिए मजीद इसको समझना आसान हो जाएगा। देखिए, सैम्पल कोड है, ठीक है, इसको हम टेक्स्ट एडिटर के ऊपर वर्क भी करवाएंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन होती है HTML की सारी, ठीक है। इसके ऊपर आपका सारा HTML वर्क करता है। जो हेडर होता है ना, हेडर के अंदर आपका क्या आता है, टाइटल आता है, ठीक है। टाइटल आता है, इसके अंदर स्टाइल आता है, ठीक है। टाइटल का क्या मतलब होता है कि जो आप जब आप वेब पेज को ब्राउजर के ऊपर रन करेंगे तो उसका टाइटल जो लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने तो रखा है कि मेरा टाइटल जो है वो उमर के नाम से उधर लिखा आना चाहिए। जब भी आप वेब पेज को ओपन करेंगे तो जो इसको इधर लिखा था ना, वो इधर मेरा नाम अब लिखाएगा, ठीक है। तो ये टाइटल है। और ये H1 जो होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, ये मूव करते हैं उस तरफ, तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको समझ लें कि ये होती क्या है, ठीक है। ये जो होती है ना, ये आपको नजर आ रही है टॉप टाइप HTML, ये क्या होती है, ये डिक्लेरेशन होती है, ये डिफाइन करती है कि आपकी HTML को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये HTML को हम इस फाइव को डिस्कस कर रहे हैं तो ये उसका डॉक्यूमेंट है। और ये जो सेकंड वाला आपको HTML टैग नजर आ रहा है, देखें जो भी HTML टैग है, देखें ये टैग है ना HTML, इसको आपने तो स्टार्ट किया हुआ है, आप देखेंगे ये आपने एंड भी किया हुआ है इस टैग को, ठीक है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन है तो इसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, ठीक है, एंडिंग नहीं होता। HTML हेड का देखें, ये टैग आपने स्टार्ट किया, हेड का टैग ये इधर एंड हो गया। टाइटल का ये स्टार्ट किया, टाइटल का ये एंड हो गया। बॉडी का ये टैग स्टार्ट किया, बॉडी का ये एंड हो गया। देखें, हेडिंग स्टार्ट की, हेडिंग एंड। पैराग्राफ स्टार्ट किया, पैराग्राफ एंड, ठीक है। तो ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन क्या होती है और टैग्स क्या होती है। HTML जो सारा वर्क कर रहा है वो टैग्स के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। देखिए, हेडर सेक्शन क्या होता है कि कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हेडर के अंदर आप स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है, वेरियस चीजें कर सकते हैं।
टाइटल के अंदर आपका क्या होता है कि पेज का जो एलिमेंट्स है वो जो आपकी टाइटल बार होती है उसके ऊपर जो भी आप टाइटल रखेंगे वो डिस्प्ले होगा, बॉडी मेन पार्ट होता है। जिस तरह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप कोड लिखते हैं, आप कहते हैं ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए, तो जो भी आप HTML के अंदर लिखेंगे, जो बॉडी के अंदर लिखेंगे ना वही चीज एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ऊपर वाला हेड, ये टाइटल, ये वगैरह कोड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो बॉडी क्या होती है, ये डिफाइन करती है आपका डॉक्यूमेंट्स बॉडी, और ठीक है इसमें सारे आप जो आप कॉन्टेक्स्ट, टैग, टेबल्स, हाइपरलिंक्स, पैराग्राफ, इमेजेस, ठीक है, जो भी आप चीजें यूज करेंगे वो इस बॉडी के अंदर यूज करेंगे, तो वो आपको वेब पेज के ऊपर शो होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इसकी वो भी है, तो मैं जस्ट इसको कोड एडिटर की तरफ मूव करता हूँ, तो उधर से इसको मजीद समझने की कोशिश कर। अच्छा जी गाइस देखें, ये हमारे पास एक मैंने फाइल जो है वो न्यू टैब ओपन कर ली है। इसके अंदर सबसे पहले हम इस फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। इस काम के लिए गाइस, इस HTML को करने के लिए आपको दो चीजें रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले गाइस आपको इसके अंदर रिक्वायर्ड होगा एक टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर आप कोई सा भी ले सकते हैं गाइस, विंडो का अपना भी टेक्स्ट एडिटर होता है जिसको नोट पैड बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर वो थोड़ा मुश्किल इंटरफेस है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको हर एक चीज मैनुअली टाइप करनी पड़ती है। तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर लें इंटरनेट से, वेरियस टेक्स्ट एडिटर्स है, लाइक आपका नोट पैड प्लस प्लस है, ठीक है, आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, इसके अलावा आपका माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो है, इसके अलावा एटम है, ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। तो वेरियस टेक्स्ट एडिटर है, क्योंकि मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है वो आपको ये नजर आ रही है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसी के ऊपर मैं करूंगा। तो इसको गाइस क्या होता है, आपने एक जस्ट टैब ओपन करना होता है, ठीक है। आपको मैं पहले तरीका बताता हूँ, फिर हम इसके ऊपर कोड करेंगे, ठीक है। आपने जस्ट एडिटर को ओपन करना होता है गाइस, उसके अंदर आपने कोड अपना जो भी वर्ड्स वगैरह लिख के उस फाइल को सेव करना होता है। जब भी आप याद रखिए HTML की फाइल को सेव करते हैं तो उसके साथ आपको एक्सटेंशन देनी पड़ती है .html, ताकि ब्राउजर को पता लग सके कि ये जो फाइल है ये HTML फाइल है, ठीक है। जब आप इसको डॉट के साथ सेव करेंगे, नाम आप स्टार्टिंग में कोई भी दे दे, लेकिन जब भी आप एंड करेंगे तो आप उसके साथ उसकी एक्सटेंशन जरूर देंगे कि ये फाइल की एक्सटेंशन क्या है, .html है। जिस तरह आप गाइज आप नोट पैड के अंदर आप फाइल को सेव करते हैं तो देखिए आपको एक एक्सटेंशन नजर आ रही होती है .txt, जिससे हमें पता लग रहा होता है कि ये फाइल नोट पैड की। इसी तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो आप जब भी फाइल को सेव करते हैं तो आपको ये DOC, ये आपको साथ एक्सटेंशन नजर आ रही होती है, जिससे हमें पता लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। इसी तरह अगर मैं एक्सेल की बात करूँ तो हमें ये XLS नजर आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये एक्सेल की हमें पता लग जाता है कि ये जो एक्सटेंशन है एक्सेल की है, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारे पास HTML की एक्सटेंशन होती है वो .html होती है, ठीक है। अभी गाइस जस्ट को की तरफ हम डायरेक्ट मूव करते हैं और इसको मैं टाइप करता हूँ कोड। तो सबसे पहले फाइल को गाइस सेव करते हैं ताकि आपको कोड थोड़ा बेटर नजर आ सके। देखिए गाइस मैं इस फाइल का नाम रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ उमर .html। मैंने इस फाइल को नाम रख दिया उमर .html और इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव करने जा रहा हूँ। अच्छा फाइल होगी सेव, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले मुझे करना होगा वही स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, डेट इज डॉग टाइप HTML, ठीक है। ये मैंने अब स्टार्ट कर दी तो देखिए मुझे ऑटोमेटिकली सजेशन दे रहा है कि इसके बाद ये आएगा, तो मुझे मैनुअल टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि जब आप नोट पैड को यूज करेंगे जो विंडोज का अपना है, तो उसमें हर चीज आपको मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी, वो आपको कोई आउटर सजेशन नहीं देगा, ठीक है। तो ये गाइज हमने स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन कर ली। इसके बाद हमारे पास देखें, मैं जो भी क्लिक कर दूँ मेरे पास आज मैंने देखिए इधर HTML करूंगा तो मुझे वो देखें आ गया सर। तो देखें HTML का पूरा उसने मुझे टेम्पलेट दे दिया, ठीक है, पूरे का पूरा टेम्पलेट। एक जस्ट मैंने इंटर क्लिक किया उसके ऊपर, तो उसने मुझे पूरे का पूरा टेम्पलेट दे दिया, जबकि माइक्रोस जो आपका नोट पैड प्लस प्लस है उसके अंदर ये आपको सारी चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये गाइज ये वाली जो चीज है ये अभी हमारे काम की नहीं है, तो मैं इसको बीच में से इस मेटा टैग्स को हटा देता हूँ। ये गाइज हमारे पास सिंपल है, इसको बल्कि एक बार ऊपर से हटा देते हैं। ये हमारे पास ये गाइज बस सिंपल सा हमने लिखा है, ठीक है, हमने जस्ट स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन दी। ये HTML का स्टार्टिंग टैग है, हर एक का आपको एंडिंग टैग जरूर नजर आएगा। और इसको चेक कैसे करते हैं सब लाइन के अंदर के जो आपका टैग है वो कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बता दूं। देखिए जब भी आप इस टैग के ऊपर इधर क्लिक करेंगे ना, तो उसको एंडिंग टैग के ऊपर ये देखिए ये लाइन आ गई, नीचे अंडरलाइन हो गया, इसका मतलब इसका एंडिंग टैग मौजूद है। इसी तरह गाइज अगर आप हेड टैग के ऊपर जाए, तो हेड टैग के ऊपर मैं जब इधर कर्सर लेके जा क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि हेडर का भी क्लोज टैग मौजूद है। सेम लाइक गाइज अगर आप टाइटल के ऊपर जाए तो टाइटल का भी आपको बता देगा कि टाइटल का भी एंडिंग टैग मौजूद है। सेम लाइक बॉडी के अंदर जाए तो बॉडी का भी देखिए मुझे टैग बता रहा है कि हर एक का ओपन और क्लोजिंग टैग है।
सबसे पहले गाइस मैं इसका टाइटल लिख लेता हूँ। टाइटल लेट से मैं इसका लिख देता हूँ शहजाद, ठीक है। मैंने इसको टाइटल, मैं चाहता हूँ कि इसका टाइटल ये हो शहजाद, ठीक है। और इसके अंदर मैं वेरियस थिंग्स कर सकता हूँ, ठीक है। जब भी गाइस आप कोई भी चीज लिखेंगे तो उसको आपने सेव लाजमी करना, ठीक है। विदाउट सेव आपका ब्राउजर के ऊपर ये वर्क नहीं करेगा। जो भी आप उसके अंदर एडिट करेंगे, न्यू थिंग ऐड करेंगे, तो हर बार आपको कंट्रोल एस करना पड़ेगा, फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको टाइटल के बारे में पहले बताया, बॉडी टैग्स के अंदर कोई भी चीज लिखते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग की तरफ आते हैं। एच हेडिंग हमारे पास 7-6 तरह की, ठीक है। H1 से स्टार्ट होती है और H6 तक जाती है। तो हेडिंग क्या होती है? हेडिंग आपके पास बेसिकली एक लाइन लिखी आती है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि H1 सबसे लार्जेस्ट होता है और H6 जो होता है वो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो उसको भी बारी बारी चेक करते हैं। देखिए मैं H1 को, देखिए मैंने लिखा सजेशन आई, एंटर प्रेस किया, देखिए उसने मुझे एंडिंग टैग खुद ही दे दिया। तो मैं इधर हेडिंग के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जी इस्लामाबाद में, ठीक है। ये देखें गाइस मैंने H1 हेडिंग के अंदर इस्लामाबाद लिखा। तो अब मैं इसको जब फाइल को सेव करूंगा तो अब मैं देखिए वापस अपने किधर जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। जो मेरे पास जो अब स्क्रीन है मैं उसके अंदर जा रहा हूँ और उधर से आपको ये कोड मजीद अपने सॉरी उसके ऊपर जा रहा हूँ ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। तो मैं इधर से फाइल को जब ओपन करूंगा अपने डेस्कटॉप के ऊपर तो मुझे दिखा रहा है, ये देखिए अगर मैं आपको स्क्रीन अगर दोबारा दिखा सकूँ तो ये मेरे पास जो है ये देखिए ये मेरे पास जो मैंने फाइल सेव की थी मेरी डेस्कटॉप के ऊपर, ये आपको एक्सटेंशन नजर आ रही है कि डेस्कटॉप में जो मैंने फाइल सेव की थी umr.html वो अब लोड हो चुकी है। और ये देखिए ये जो आपको मैंने टाइटल का कहा था ना वो टाइटल ये आ रहा है, ये देखिए ये मेरे पास टाइटल आ रहा है शहजाद नाम का, क्योंकि मैंने टाइटल अपना रखा था शहजाद। तो मुझे अब फाइल का जो टाइटल आ रहा है वो शहजाद आ रहा है और ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा था हेडिंग के अंदर वो ये मुझे इधर शो हो रहा है जो मैंने इस्लामाबाद लिखा है, ठीक है। अभी हम इसको मजीद इस कोड के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं और आपको मजीद दिखाते हैं। अब हेडिंग में डिफरेंट टाइप की यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हेडिंग देखिए पहले मैंने H1 की थी, अब मैं इसकी तरफ जाता हूँ, H1 नहीं करता, अब मैं करता हूँ 6 टाइप की मैंने हेडिंग बताई है ना, तो सबको बारी बारी चेक करते हैं क्या होता है हर एक। H2 इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ रावलपिंडी, ठीक है। H2 हेडिंग होगी गाइस, इसके बाद हम सिंपल इसको स्टार्ट करते हैं H3 हेडिंग, क्या H3 मैंने स्टार्ट की, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं सियालकोट, ठीक है। ये हमने हेडिंग 3 कर दी। इस तरह गाइस हेडिंग 4 के ऊपर जाते हैं, ठीक है। हर एक हेडिंग का आप देखेंगे कि कैसे डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसके अलावा हम इसको कर देते हैं लाहौर कर देते हैं, ठीक है। इसको इसके अलावा गाइस हम H5 के अंदर हम कर देते हैं H5 टैग, H5 के अंदर हम कर देते हैं कराची, ठीक है। इसके अलावा गाइस जो लास्ट है हमारे पास H6 हेडिंग, ठीक है। तो H6 के अंदर हम रख लेते हैं उसको क्या कहते हैं आपका इस शेयर को लें भाई, अभी हम ले लेते हैं जी इसमें फॉर एग्जांपल मैं कोई वो ले लेता हूँ भावलपुर, ठीक है। ठीक है मैंने इधर ले लिया भावलपुर, ठीक है। तो ये मैंने आपको ले मैंने 6 टाइप की हेडिंग दी है, ठीक है। तो अब इनको चेक करते हैं कि डिस्प्ले कैसे होगा। सबसे पहले गाइज आपने ये कभी नहीं भूलना कि फाइल को लाजमी कंट्रोल एस से सेव कर ले, ठीक है। तो मैंने जब इस फाइल को सेव किया, अभी मैं जब वापस अपने ब्राउजर के ऊपर जाऊंगा, ठीक है, तो ब्राउजर मुझे क्या दिखाएगा उसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए गाइज मैं ब्राउजर के ऊपर आ चुका हूँ। ब्राउजर को आपने रिफ्रेश लाजमी करना है, रिफ्रेश करेंगे तो आपको वो न्यू चीज़ को शो करेगा। क्या मैं जब रीलोड पेज को किया तो अभी देखिए आपको हर एक चीज डिफरेंट नजर आ रही है। देखिए जो H1 की हेडिंग थी, मैं इसको बारी बारी लेबल करता हूँ, ये हेडिंग थी मेरे पास H1 की, ठीक है। H1 की ये जो रावलपिंडी लिखा था ये मैंने लिखा था H2 हेडिंग के अंदर, ठीक है, H2 के टैग के अंदर। जो मैंने सियालकोट लिखा है ये मैंने H3 के अंदर लिखा है, और इसी तरह लाहौर मैंने H4 के अंदर लिखा है, ठीक है। कराची को मैंने H5 के अंदर लिखा है, ठीक है, H5 के अंदर लिखा है। और जो लास्ट वाला हमारे पास बहावलपुर था उसको मैंने H6 के अंदर लिखा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि H1 सबसे लार्जेस्ट हेडिंग है, जबकि जो H6 है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। देखिए आपको हार्डली नजर भी नहीं आ रहा होगा ये क्या लिखा हुआ मैंने, ठीक है। तो ये इस तरह हेडिंग हमारे पास वर्क करती है, ठीक है। इस तरह गाइज हमारे पास वो चीजें भी, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, लाइक पैराग्राफ्स होते हैं कि आप HTML के अंदर कोई पैराग्राफ लिखना चाहिए तो उसके लिए क्या टैग होता है, उसकी तरफ भी मूव करते हैं। ये देखिए गाइस फॉर एग्जांपल ये तो हमारा हो गया फिनिश, अब हम पैराग्राफ की तरफ आते हैं, पैराग्राफ लिखने की कोशिश करते हैं। पैराग्राफ का टैग गाइस क्या होता है, आपने जस्ट ये साइन डालना होता है, इसके बाद
पैराग्राफ, ये देखिए स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, देखिए एलिमेंट जो होता है वो टैग्स के अंदर आता है। देखिए पी मेरा एलिमेंट्स था, मैंने इसका ये देखिए ये टैग स्टार्ट हो गया, और एंडिंग टैग के अंदर याद रखिए ये स्लैश आती थी जिसको आप फ्रंट स्लैश बोलते हैं, ये लाजमी आती है एंडिंग टैग के अंदर। और अगर आपने चेक करना है कि ये आपका क्या नाम है टैग एंड हुआ कि नहीं, आप जस्ट कर्सर इसके ऊपर लेके जाए, क्लिक करें और देखिए ये आपको जो इसका एंडिंग टैग होगा उसके ऊपर वो आपको हल्की सी लाइन दे देगा कि ये टैग आपका एंड हुआ हुआ है। ठीक है, तो आप जो भी चीज़ आप इसके अंदर लिखेंगे वो आपकी क्या होगी, डिस्प्ले होगी। लाइक मैं लिखना चाहता हूँ इस्लामाबाद, ठीक है एक मिनट, इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मैं ये लिखना चाहता हूँ, इसको लिख के देख, ठीक है गाइस, जब मैंने ये लिख दिया, ठीक है, तो अभी मैंने जब फाइल को सेव किया तो अभी देखते हैं कि पैराग्राफ के अंदर ये मुझे क्या शो कर रहा है, मेरा ब्राउजर मुझे क्या दिखा रहा है। तो पैराग्राफ के अंदर जस्ट मूव करते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए मैं फाइल को दोबारा रिफ्रेश करूंगा आपके सामने। देखिए जब मैंने फाइल को रिफ्रेश किया तो अभी मुझे इसने क्या करवा दिया, एक पैराग्राफ को शो करवा दिया, ठीक है, कि इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है पाकिस्तान का। ठीक है, ये बाई डिफॉल्ट जो होता है इसका साइज इतना ही होता है पैराग्राफ को। ठीक है, अगर आप इसका स्टाइल साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो वो आगे चीजें आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका सिर्फ स्टाइल कैसे, इसका मतलब आप अगर इसका वो करना चाह रहे हैं इसका साइज फॉन्ट बढ़ाना चाह रहे तो वो कैसे होगा, वो नेक्स्ट हम इसके अंदर डिस्कस करें। तो पैराग्राफ जरूरी है कि एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं, आपका पैराग्राफ 10 लाइनों के अंदर भी हो सकता है, 15 लाइनों के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, वो सारे पैराग्राफ को शो करेगा। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मैं इस कोड के अंदर मजीद कोई चीज इसी पैराग्राफ के अंदर मैं कोई मजीद चीज देखना चाहूंगी, दैट से मैंने ये लिखा, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ तो ये भी मुझे शो करवाएगा। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप चाहते हैं, आपने ये लाइन लिखी है पाकिस्तान, इधर आपकी लाइन एंड होगी, आप चाहते हैं भाई जो मैं अभी नेक्स्ट लिखूँ वो इस लाइन के अंदर ना हो, वो क्या हो, वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाए, ठीक है, इस लाइन के अंदर आगे मजीद कुछ ना लिखना हो, तो इसके लिए आपके लिए HTML के अंदर एक टैग होता है जिसको कहा जाता है ब्रेक टैग, BR। याद रखिए ये जो ब्रेक टैग होता है इसका क्या पर्पज होता है, ये ब्रेक टैग जो होता है ये आपको जो आप लाइन लिख रहे हैं जहाँ से आप चाहते हैं कि ये वाला जो आप नेक्स्ट पैराग्राफ लिखे वो नेक्स्ट लाइन के अंदर जाए, तो ये ब्रेक क्या करेगा, आपको नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेकर जाएगा। और याद रखिए ब्रेक का एंडिंग टैग नहीं होता, ठीक है, ब्रेक का सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है। आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, फाइल को सेव कर दिया, अभी आप ब्राउजर के अंदर इसका कमाल देखिए। अगर मैं इसको पेज को अभी दोबारा रिफ्रेश कर दूँ आपके सामने, ठीक है, पेज को आपने हर बार रिफ्रेश करना है, तो अभी आप देखेंगे कि जो मैंने सेकंड लाइन लिखी है वो मेरी किसके ऊपर आ रही है, देखिए सेकंड लाइन जो मैंने लिखी है वो सेकंड लाइन के ऊपर आ रही है। अगर ब्रेक में हटाता हूँ फिर क्या होगा, लेट्स सी, ब्रेक को रिमूव करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होगा। मैं तो सिर्फ ब्रेक को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, अभी फाइल को जब सेव करते हैं, ठीक है, आप जितनी मर्जी स्पेसिस देंगे, ठीक है, एंटर प्रेस करें बेशक कुछ भी नहीं होना। देखिए मैं ये फाइल को सेव करूंगा, देखिए मैंने सेकंड लाइन के ऊपर भी लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि मैंने ब्रेक टैग यूज नहीं किया तो आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है, ये मैं देखूँ, देखिये मैंने कितनी ज्यादा स्पेसिस दी है, कोई स्पेस से फर्क नहीं पड़ा, एंटर भी प्रेस किया ताकि जो आपका लाइन है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चली जाए, लेकिन वो वर्क नहीं करी। तो क्यों नहीं वर्क करी, क्योंकि HTML जो है वो एम्प्टी स्पेसेस को क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है, उसको एम्प्टी स्पेसेस के मैटर नहीं करती, आप 100 स्पेसेस दे दें, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब तक आप ब्रेक का टैग नहीं लगाएंगे आप क्या नहीं हो सकते, आप नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव नहीं कर सकते, ठीक है। आप ब्रेक का एक टैग भी लगा सकते हैं, ज्यादा भी लगा सकते हैं, लाइक से इसको वापस इसके अंदर लेके आते हो, इसके अंदर मैं ब्रेक का टैग मैंने एक बार लगाया तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाएगा, दो बार लगाते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। दो बार जब मैंने ब्रेक का टैग लगाया तो अभी मैं जब मूव करूंगा अपनी नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर तो मुझे क्या दिखाएगा उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं ब्राउजर को कर रहा हूँ रिफ्रेश, देखें अब मैंने जब उसको दो बार ब्रेक दी तो उसने क्या दिया, उसने क्या किया, उसने मुझे इसके इस इन दोनों लाइनों के दरम्यान एक ब्रेक दे दी, ठीक है, दो ब्रेकें दे दी, एक ब्रेक उसने दी मुझे इस नेक्स्ट लाइन को लिखने के लिए और एक उसने ब्रेक मुझे ये वाली दी है जो आपको इनके दरमियान ये स्पेस नजर आ रही है ना, वाइट स्पेस, इस सेकंड ब्रेक की वजह से, ठीक है। इस तरह आप थर्ड ब्रेक देंगे तो वो मजीद स्पेस दे देगा इस लाइन के इन दोनों लाइनों के दरमियान, ठीक है। तो ब्रेक एक्चुअली ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। अभी गाइस जो हम नेक्स्ट चीज की तरफ मूव करें वो भी आपको दिखा दें, हेडिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, पैराग्राफ के बारे में भी बता दिया,
अभी जो हम हमारा थ्योरी वाला उसकी तरफ थोड़ा मूव करते हैं कि थ्योरी में मजीद क्या चीज़ है। तो मैं 1 मिनट में अगर वापस अपनी स्क्रीन पर जा सकूं तो मैं आपको दिखा सकता हूं। जी मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ। सॉरी अगेन से ये स्टॉप शेयर। ये आई थिंक सो मुझे वो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो अलाउ नहीं कर रहा, क्या चक्कर है। एक मिनट मैं इसको जरा चेक कर लूँ। ठीक है ये मुझे क्यों नहीं कर रहा, फिर मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर कर दूँ। ठीक है तो ये आपका बेसिकली ये था, ठीक है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि HTML का स्टार्ट और एंडिंग टैग क्या होता है। ठीक है तो इसके अंदर हम मजीद इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है अगर वो मुझे अलाउ कर दे दोबारा स्क्रीन को शेयर करने में तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी आई होप सो अभी वर्क करना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है ये हमने चीज़ ऑलरेडी गाइस पहले डिस्कस कर चुके हैं कि HTML डॉक टाइप क्या होती है। ठीक है अब गाइस जो सेकंड थिंग है वो HTML एलिमेंट है, जो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दी। जो हमने अभी ये दो पैराग्राफ और हेडिंग टैग यूज किए और BR ब्रेक यूज किया, ये बेसिकली HTML के एलिमेंट्स हैं। ठीक है HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टार्ट टैग होता है, एंडिंग टैग होता है। ठीक है टैग का नेम इसमें आ जाता है और इसका ये सिंबल होता है। ठीक है सम एलिमेंट्स देखें, हैज नो कॉन्टेक्ट लाइक ब्रेक। ब्रेक का याद रखें, ये जो ब्रेक जिनका एंडिंग टैग नहीं होता उनको एम्प्टी एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है एंड एम्प्टी एलिमेंट्स डज नॉट हैव एन एंड टैग। ठीक है ब्रेक जिस तरह है इसका कभी भी आपके पास एंड टैग नहीं होगा। ठीक है अभी हम नेक्स्ट की तरफ भी मूव करते हैं गाइस आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है एंड आई होप सो अभी तक जो आपको मैंने समझाया वो आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है HTML कैसे वर्क करती है। ठीक है वेब ब्राउजर क्या होते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको इसके लिए दो टूल्स चाहिए होते हैं, एक आपको ब्राउजर चाहिए होता है और दूसरा आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है। टेक्स्ट एडिटर मैंने आपको बता दिया, आप कोई से भी इंस्टॉल कर ले, बहुत ईजी इंस्टॉलेशन है गाइस। जैसे आपने डाउनलोड करना है, ठीक है उसके अंदर कोड लिखना है, फाइल को सेव करना है .html के एक्सटेंशन के साथ, और जिस जगह आप फाइल को सेव करेंगे तो आपको देखिए वो कैसे बना आएगा, वो ब्राउजर जो जिस ब्राउजर को आप यूज करते हैं ना बाय डिफॉल्ट जो आपका ब्राउजर होता है। ठीक है तो उसी ब्राउजर का एक साइन बना नजर आ जाएगा। ठीक है अभी मैं उसके आपको दिखा नहीं सकता वरना मैं आपको जरूर शो करवाता। जिस तरह आप क्रोम, अगर क्रोम आपका बाय डिफॉल्ट सॉरी क्या बाय डिफॉल्ट ऐप है, तो जब जिस फाइल को आप सेव करेंगे ना .html से, तो वो आपका जिस नाम से सेव करेंगे ना, जब आप .html करेंगे तो वो आपको गूगल क्रोम का, अगर गूगल क्रोम आपका बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है तो वो गूगल क्रोम का आइकन उसके ऊपर बना आ जाएगा। तो जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो सिंपल आपको जिस तरह मैंने आपको वेब पेज पर दिखाया, जाके कोड रन किया तो बेसिकली आपको वहां पे ले जाएगा जहाँ पे आप अपना कोड का आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है तो वेब ब्राउजर आपके पास बहुत से हैं। ठीक है क्रोम यूज करते हैं ज्यादातर लोग, एज है, फायरफॉक्स है, सफारी है। ठीक है ये बेसिकली हमें वेब ब्राउजर क्या सपोर्ट करते हैं, ये हमारा जो भी हम HTML के अंदर जो भी कोड लिखते हैं, डॉक्यूमेंट लिखते हैं, उसको वो रीड करता है और उसको डिस्प्ले करता है। सिंपल हेडिंग टैग्स भी आपको बता दिए कि हेडिंग टैग्स H1 से लेकर H6 तक होते हैं। ठीक है और आपको मैंने इसकी एग्जाम्पल भी बता दी कि H1 के अंदर आपने लिखा तो टेक्स्ट कैसा डिस्प्ले हुआ है, H2, H3, H4। ठीक है H1 डिफाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, ठीक है क्योंकि सबसे बिगेस्ट हेडिंग होती है, और H6 डिफाइन द लीस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे स्मॉल जो हेडिंग होती है HTML के अंदर वो कौन सी होती है, लास्ट वाली विच इज H6। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास गाइस इसको हमने डिस्कस किया वो था हमारे पास पैराग्राफ, के पैराग्राफ कैसे वर्क करता है उसके भी बारे में भी मैं आपको बता दूं। देखिए HTML पैराग्राफ्स, HTML पैराग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है वो भी मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ के अंदर कोई चीज दिखे तो ये उसका टैग होता है। ठीक है ये स्टार्टिंग टैग है, याद रखिए इसके साथ आपने एंड टैग लाजमी लगाना है। देखिए एंड टैग के लिए आप ये लिखें, ठीक है ये आपका टैग हो गया इधर एंड, और इस टैग के अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो आपका पैराग्राफ में शो होगा। ठीक है फिर इसके बाद जो थर्ड थिंग जिसको मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया वो करते हैं, वो है HTML लिंक्स। लिंक्स क्या होते हैं गाइस, लिंक्स ये होते हैं कि आप बेसिकली ना अपने पेज के ऊपर कोई भी लिंक्स बना देते हैं। इस तरह गाइस आपका जो बहुत मशहूर वेबसाइट है जिसको आप यूज करते हैं एवरीडे, दैट इज विकिपीडिया। जब आप विकिपीडिया को यूज करते हैं तो गाइस आपने देखा होगा, आप जब आप टेक्स्ट पढ़े होते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ ब्लू ब्लू लिंक्स नजर आ रहे होते हैं, ये कुछ लाइनें अंडरलाइन हुई होती हैं ब्लू से, वो ब्लू क्या होते हैं, वो लिंक्स होते हैं। उन लिंक्स का क्या मतलब होता है कि मगर अगर आप इस वर्ड के बारे में, फॉर एग्जाम्पल वर्ड लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल स्टेनोग्राफी, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड लिखा स्टेनोग्राफी और इसके ऊपर एक ब्लू सी लाइन बनी हुई है, इसका मतलब लिंक है,
जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको एक न्यू पेज के ऊपर लेके जाएगा, जहाँ पर इस स्टीनोग्राफी की मजीद एक्सप्लेनेशन पड़ी है। तो बेसिकली आपको क्या करता है, लिंक आपको हेल्प करते हैं कि अगर आपने मजीद डॉक्यूमेंट को पढ़ना है तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, ताकि आप उसके ऊपर चले जा सके और उसको आप इजीली पढ़ सको। और उसके लिए ये टैग क्या यूज होता है, जस्ट HRF, ठीक है। आप उसको जिस वेबसाइट के ऊपर जाना चाह रहे हैं उसका लिंक देते हैं, ठीक है। ये मैं अभी आपको करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो मैं ब्राउजर के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, सॉरी, अपने टेक्स्ट एडिटर के ऊपर जाता हूँ, उधर से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये एंकर टैग आपका कैसे वर्क, इसको एंकर टैग कहा जाता है, ठीक है। तो आप गाइस देखिए, मैं इधर अभी एंकर टैग जब भी मैं डिफाइन करूंगा, देखिए मैंने ए लिखा तो मुझे उसने पूरा एंकर टैग दे दिया। अब एंकर टैग के ऊपर लेट से मैं चाहता हूँ कि HTTPS मैं जाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, मैं जाना चाह रहा हूँ www. मैं चाहता हूँ मैं एप्पल की वेबसाइट पे चला जाऊँ। मुझे अब उनका वेबसाइट का एड्रेस सही तरह से मालूम नहीं है, लेकिन लेट्स ट्राई करते हैं। इधर मैं इसको, ये जो आपने देखे HRF के अंदर आप लिंक देते हैं, ठीक है, कि आपने उस बटन के ऊपर या उस लिंक के ऊपर अगर यूजर क्लिक करे तो वो जाएगी इधर। तो मैंने उसको इस वेबसाइट का लिंक दे दिया, इस वेबसाइट के ऊपर वो चला जा सके, या ठीक है, ठीक है। और ये मैंने जो लिंक लिखा है ना, ये बेसिकली उसका नाम रखा है मैंने, जो मैंने लिंक बनाया है, ठीक है। लिंक के ऊपर नाम जो लिंक का रखे, लिंक भी नहीं करते, एप्पल रख देते, ताकि लोगों को पता लग जाए कि ये एप्पल का लिंक है, ठीक है। तो मैं अभी इस एप्पल को लिंक को सेव करता हूँ। अभी मैं ब्राउजर के ऊपर जाता हूँ और इसको चेक करता हूँ क्या ये मुझे शो करेगा कि नहीं। देखिए मैं अब चला जा चुका हूँ, मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, देखिए मुझे एक ब्लू टाइप का ये लिंक नजर आ गया, ठीक है। ये देखिए, देखिए जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो देखिए ये नीचे अगर आप देख सके तो मुझे दिखा रहा है HTTP://www.apple.com, मतलब वो मुझे एप्पल के एड्रेस के ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। ये ब्लू लिंक का क्या मतलब है, आपका लिंक बन चुका है, जब मैं क्लिक करूंगा तो लेट्स से कि एप्पल की अगर वेबसाइट हुई तो मुझे ले जाएगा। तो ये गाइज अगर आपको नजर आ रहा है तो ये मुझे एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेकर आ चुका है, ठीक है। लिंक ये देखिए, मैं आपको इसको दिखा भी सकता हूँ कि ये मुझे, आपको क्या किया इसने, मुझे उस लिंक के ऊपर ये मुझे लेकर आ चुका है, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही तो मैं आपको दोबारा ये शो कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये देखिए, ये मुझे अब एप्पल की एक वेबसाइट के ऊपर लेके आ चुका है, जो एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर ये मुझे लेके आ चुका है। मैंने जस्ट क्या किया गाइस, सिंपल मैं अगर आपको दिखा सकूं तो मैंने क्या किया, सिंपल HRF के अंदर लिंक दिया। अगर मैं आपको कोड की तरफ लेकर आऊँ, मैंने क्या किया, मैंने एक लिंक दे दिया, ठीक है। HTTPS का मतलब जो होता है, ये आपकी एक चीज होती है जिसको कहते हैं डोमेन होती है, डोमेन होती है, इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली आपका एक एड्रेस होता है, ये लंबी एक्सप्लेनेशन है, फिर कभी करेंगे। तो ये आपने क्या किया है, ये आपने जस्ट उसको एक लिंक दिया है, ठीक है, और लिंक आपने नाम रख दिया कि एप्पल का। अगर किसी ने भी एप्पल के बारे में मजीद स्टडी करनी है तो वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करे और उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर, ठीक है, आईफोन के बारे में या एप्पल कंपनी के बारे में वो मजीद आर्टिकल्स पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये गाइज हो गया आपके पास लिंक का, HRF का टैग, ठीक है। इसी तरह गाइज एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, कोई टैग यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द इमेज टैग। इमेज के लिए आप क्या करते हैं, सिंपल आप टैग को स्टार्ट करते हैं IMG इमेज, ठीक है, SRC, ठीक है। ये आपके पास एक सोर्स फाइल होती है, इस सोर्स फाइल के अंदर आप जस्ट जो भी आपकी पिक्चर है ना, उसको आप क्या करते हैं, आप एक जो पिक्चर का आपने नाम रखा है वो देते हैं। लेट से तो मेरे पास पिक्चर है नहीं, तो आपने फॉर एग्जाम्पल अपनी पिक्चर का नाम रखा हुआ है, लाइक आपने नाम रखा हुआ है अपनी पिक्चर का, लेट से अपने नाम के साथ, लाइक आपने नाम रखा हुआ है अली अली, और फाइल फाइल जिसने आप जिस नाम से आपने, सॉरी, जिस एक्सटेंशन के साथ फाइल को सेव किया, पिक्चर आपकी वो जिस टाइप की हो सकती है ना, एक्सटेंशन की PNG वाली भी पिक्चर हो सकती है, आप JPEG वाली भी इमेज हो सकती है। तो आप में सिर्फ डॉट करके वो एक्सटेंशन लाजमी लिखनी है कि वो पिक्चर किस टाइप की है, JPEG की है, PNG की है, ताकि ब्राउजर उसको उठा सके। तो आपने अगर पिक्चर आपने कोई भी डाउनलोड करके रखी हुई है, और जब आप उस पिक्चर को क्या करेंगे, पिक्चर का जो नाम जब आप इस SRC टैग के अंदर देंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक PNG वाली पिक्चर फॉर एग्जाम्पल पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ अगर मेरे पास कोई पिक्चर हो, वैसे पड़ी तो नहीं हुई, अगर सपोर्ट तो नहीं करेगा, अगर पड़ी हुई तो वो लोड कर लेगा। तो आपने जस्ट इसके ऊपर नाम देना है, फाइल को सेव करना है। तो लेट्स सी, मैं देखता हूँ, आपको पिक्चर ना शो हुई तो वो आइकन जरूर दिखाएगा, ठीक है। आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, ये अगर आपको गाइस स्क्रीन, बल्कि मैं अगर इस ब्राउजर को बैक करूं तो ये देखिए मुझे वापस लेकर आ चुका है। आपको देखिए मैंने कोड इधर लिख लिया, अभी मैं वापस ब्राउजर की तरफ जाता हूं, ठीक है। तो जब मैं ब्राउजर की तरफ वापस जाऊंगा तो गाइज ये देख सकते हैं, ये एप्पल के साथ मुझे एक पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है। अब ये पिक्चर मुझे नजर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पास पिक्चर मौजूद ही नहीं है, ठीक है। मेरे पास पिक्चर
डेस्कटॉप के ऊपर है ही नहीं, कोई पिक्चर ही नहीं है मेरे पास। वो जैसे वो मुझे पिक्चर पिक्चर उसने उठा तो ली है, लेकिन पिक्चर है नहीं उसके पास। वो पिक्चर उसने आइकन तो बना दिए कि हाँ पिक्चर तो है, लेकिन जब आप पिक्चर आपके पास रियल में मौजूद होगी तो वो साथ एप्पल के साथ एक आपको पिक्चर दिखा सकेगा। ठीक है, तो ये पिक्चर इमेज टैग यूज होता है। ठीक है गाइज, इसके अलावा इसमें और मजीद टैग्स भी हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये HTML का टैग्स था। ठीक है, SRC आपको बताया सोर्स फाइल होती है, इसके अंदर आप इसकी विड्थ हाइट इसको भी सेट करेंगे, ये भी करेंगे। देखेंगे जिस तरह इमेज SRC के अंदर आपने उसकी विड्थ दी कि ये इतने परसेंट वाइड विड्थ होनी चाहिए, हाइट उसकी फॉर एग्जाम्पल 142 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप उसके वेरियस एट्रीब्यूट्स देते हैं। ठीक है, तो ये गाइज आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने HTML को स्टार्ट किया, और HTML की इसको कहा जाता है बहुत बेसिक टैग्स। ठीक है, जो आज हमने डिस्कस किए ये बहुत बेसिक टैग्स थे। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि HTML को स्टार्ट कैसे करते हैं, HTML के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उसके लिए हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए और एक ब्राउजर चाहिए जिसके ऊपर हम अपना जो वेब का काम है वो शो करवा सकें। ठीक है, वे गाइज दर से हमने HTML को स्टार्ट किया। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।